मैडम हाँ आपके चैन गिर गया शायद। इतनी सारी चेन्स। अरे हाँ ये तो मेरी चेन्स है, यहाँ कैसी गिर गई? थैंक यू सो मच आपने बता दिया। साहब आपके पैसे गिर गए शायद। सारे पैसे मेरे तो नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? एक काम करता हूँ, मैं ही रख लेता हूँ। हाँ ये मेरे ही पैसे गिर गए होंगे। थैंक यू। मैडम जी भैया शायद आपकी घड़ी गिर गई है। घड़ी? ये घड़ी तो सोने की लग रही है और बहुत महंगी भी लग रही है। नहीं भैया ये वॉच मेरी नहीं है, शायद किसी और की गिर गई होगी। आप एक काम कीजिए, आप कैमरा चेक कराइए, आपको पता चल जाएगा किसकी वॉच है। अरे कोई नहीं मैडम, आप रखो ना, आपको मिली है ये। नहीं भैया मैं कैसे रख सकती हूँ, ये मेरी वॉच है ही नहीं। एक काम कीजिए इसे आप रखिए, जब कोई वॉच ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा तो आप वापस कर दीजिए। जी मैडम। आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो? हाँ और तुम भी? जी जी मैडम। एक सेकेंड, वही है ना जो नीचे गेट पर खड़ा था, पर इसने तो गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी थी। अब यहाँ ऐसे क्या चल रहा है भाई? कोई नहीं मैडम, आप पानी पीजिए, आपको सब पता चल जाएगा थोड़ी देर में। शिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम पानी रखो और जाओ। आप तीनों का इंटरव्यू हो चुका है और मुझे अपनी कंपनी के लिए जिस एम्प्लॉय की जरूरत थी उसका नाम है मिस नव्या। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। क्या इंटरव्यू हो गया? लेकिन मैम हमारा इंटरव्यू कब हो गया? हम तो आपसे अभी मिले हैं और आपने सिलेक्शन भी कर लिया, ये सब क्या हो रहा है? आपका इंटरव्यू हो चुका है क्योंकि गेट पे आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो आपके इंटरव्यू का एक हिस्सा था। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय की जरूरत थी और मैं देखना चाहती थी कि आप लोग कितने ईमानदार हो, और उस टेस्ट में नव्या पास हुई है। और आप दोनों तो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हो। देखिए मैम जो भी हुआ अनजाने में हुआ, बस थोड़े पैसों को देख के हमें लालच आ गया था, पर आइंदा से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। लालच आ गया चंद पैसों को देखकर? जब आपके मन में अभी लालच आ गया तो अगर मैं आपका सिलेक्शन कर भी लेती हूँ तो कल को तो आप मेरी कंपनी के शेयर्स बेच दोगे। मुझे आप जैसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। और हाँ वो जो सामान बाहर से उठाया है उसे टेबल पे रख के जाओ। अब निकलो। मिस नव्या इंटरव्यू तो आपका हो चुका है, बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जी मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये जॉब दे दी, मुझे इस जॉब की बहुत नीड थी। आइए। जी